करके ही मज़ा आ रहा होगा कि प्रयागराज इलाहाबाद में ऐसा कोई ब्रिज है जहाँ पे आपको आना और घूमना पड़ेगा। तो ये देखिए मंदिर के अंदर इस तरह से यहाँ पे जो है ये भी यज्ञशाला या जो भी काली घाटी की मंदिर वो रही वहाँ पे आपको, और ये है वो ब्रिज जिसके थ्रू हम लोग जाएंगे। ऐसे हैं आप लोग, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और गाइज आज मैं आपको ले आया हूँ प्रयागराज की काली घाटी पर, जहाँ पे आपको वो ब्रिज दिख रहा है जो कि उत्तराखंड का एहसास दिलाएगा। और अभी तक मैं उस ब्रिज को गया नहीं घूमने, और ये ब्रिज प्रयागराज के अंदर है, इलाहाबाद के अंदर। और इलाहाबाद वाले लोग अगर यहाँ नहीं आए हैं, ये चीज़ नहीं जानते, तो क्या है फिर। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, और यहाँ भी आइएगा। तो मैं थक गया ऊपर, और वो वहाँ पे वो मंदिर है, ठीक है। तो चलिए मंदिर के भी दर्शन कर लेते हैं, और यहाँ से पुल को भी नीचे से जाएंगे, ठीक है। तो कैसे जाएंगे वो देखिए, वो वहाँ पे आ रहे हैं लोग, ठीक है, वहाँ से। और फिर इसके बाद में वो है मंदिर वहाँ पे। अगर आपको यहाँ से नहीं दिख रहा हो तो मैं अब कैमरा फ्लिप करता हूँ, तो आपको दिखाता हूँ कि क्या वो रही वो मंदिर, और ये रही वो सीढ़ी जहाँ पे वो काली घाटी है। तो यहाँ से अभी हम लोग जो हैं उस मंदिर पे जाएंगे, और मंदिर पर जा कर के वहाँ पे देखेंगे कि हाँ भाई कैसे क्या होता है। तो चलिए ये सीढ़ियाँ हैं, और देख रहे हैं कितनी खड़ी सीढ़ी है, जो कि उस ब्रिज पे हम लोग यहाँ से नीचे से क्रॉस करेंगे, और फिर देखते हैं कि कैसे क्या होता है। तो चलिए एक्सपीरियंस लेते हैं अपने ब्रिज का भी यहाँ से। अब ये नया ब्रिज बनाया गया है यहाँ पर इस तरह से, ये आप देख पा रहे हैं कि ये लोहे का है और हिल भी रहा है जैसा भी है। तो आप लोग भी आइए कभी प्रयागराज, और इन्जॉय करिए यहाँ की चीज़ों को, कैसा लगता है यहाँ पर। इस तरह से वाइब आता है यहाँ पर। तो जब हम यहाँ सीढ़ियाँ स्टार्ट करते हैं इधर से चलने पर, तो सबसे पहले हमें जो यहाँ पे व्यू मिलता है वो है हनुमान मंदिर का। और हनुमान मंदिर जो है यहाँ पे हनुमान जी विराजमान हैं, और ये इतना अच्छा व्यू आता है कि आप यहाँ पे भी देख पा रहे हैं कि ये काली घाटी में घुसते ही तो दोस्तों अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो वाइब है, यहाँ की जो सुंदरता है, साइड में जो रेलिंग दिए गए हैं और इतनी जो खूबसूरत है यहाँ पे, देखिए वट वृक्ष भी है पूजा करने के लिए। और ये वो मंदिर, ये जो दीवार देख रहे हैं यही माँ काली जी का मंदिर है। और इसके आगे मैं पूरा आपको दिखाऊंगा कि कितना अच्छा है, और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ से कि कितनी अच्छी घाटी है। और जब हम इधर आते हैं तो यहाँ पे हमको जो है एक सरोवर दिखता है, और सरोवर में फिर इधर भोले बाबा की मंदिर है यहाँ पर। और ये भोले बाबा यहाँ पे विराजमान है, जो कि यहाँ से दो सीढ़ियाँ जाती है, एक लेफ्ट एक राइट से। और इस तरह से भोले बाबा का भी आप दर्शन जाके कर सकते हैं। जय हो भोले बाबा। ये पीछे जो रेलवे लाइन है ये प्रतापगढ़ के लिए जाती है प्रयागराज से, तो वो वाली रेलवे लाइन है। और यहाँ पे ये घाटी जो है, काली घाटी जिसे हम कहते हैं, ये यहाँ पे देखिए ये एक्चुअली है क्या चीज़ के नीचे कुछ ऐसी नहर टाइप की जगह है जिसका काफ़ी हाइट है, और दूसरी साइड से इस साइड आने में बीच में कम से कम जो है 30 फीट 40 फीट का जो है गहराई है, और वाटर लेवल भी फिर उससे थोड़ा सा नीचे है, तो इसलिए घाटी की तरह ये है। और किनारे बने होने के कारण इस जगह को घाटी ही कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये मंदिर आप देख रहे हैं जो कि भोले बाबा की यहाँ मंदिर है, और ये राउंड अप सीढ़ियाँ हैं जिधर से हम आते जाते हैं। तो ये इस तरह से जाने के बाद में ऐसे उधर से भी आप जा सकते हैं, और ये भोले बाबा का जो मंदिर है ये इस तरह से, और काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर। ये भोले बाबा का मंदिर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ऊपर जो विराजमान है भोले बाबा, शेषनाग छत्र छाया, और सामने शिव शंकर भोले बाबा यहाँ पे। तो ये इस तरह का कुछ सीन है। यहाँ पे आप आइए और यहाँ पे विज़िट करिए, तो काफ़ी आपको एक सहानुभूति मिलेगा, और यहाँ की जो वाइब है ये काफ़ी अच्छी है। तो चलिए अब हम आपको काली माँ के दर्शन भी करवाते हैं। ये मंदिर है, और ये मंदिर की सीढ़ियाँ हैं जहाँ से अब हम अंदर चलेंगे। तो ज़ोर से बोलिए जय माता की, और यहाँ पर आप माँ के दर्शन करिए, और जो भी आपकी इच्छा मुराद हो वो आपकी पूर्ण हो, ये ऐसा करता हूँ मैं। ये देखिए मंदिर के अंदर इस तरह से यहाँ पे जो है ये भी यज्ञशाला या जो भी है उसका यज्ञ होता है क्या, किस चीज़ के लिए है गुरुजी? ये मंदिर का आश्रम है यहाँ पे। ऊपर देखिए माइक वगैरह लगाई गई है। सो गाइस ये आप देख रहे हैं कि ये वहाँ पर ब्रिज था जो कि टूट चुका है, और
वो टूटा हुआ ब्रिज है, लेकिन आगे जो मैंने आपको फर्स्ट में दिखाया था वो सबसे मेन ब्रिज था। ये है घाटी, और घाटी क्या मतलब, ये नहर है, और यहाँ से देखिए सामने बच्चे आ रहे हैं, और ये ब्रिज है। हालांकि ये ब्रिज पहले बहुत अच्छा था जब ये रस्सी के वाला था, और यहाँ पे ये ब्रिज पे मैं चल रहा हूँ तो मैं गिर ना जाऊँ, इस तरह से मुझे डर भी लग रहा है। और ये ब्रिज आपको देख करके ही मज़ा आ रहा होगा कि प्रयागराज इलाहाबाद में ऐसा कोई ब्रिज है जहाँ पर आपको आना और घूमना पड़ेगा। तो ब्लॉग पर बने रहिए, वीडियो लंबी हो सकती है और मेरा फ़ोन ना गिरे इसलिए। और ये घाटी है, काफ़ी अच्छी लग रही है यहाँ पर। और ये बच्चे देखा, अब देखिए ये हमारे साथ आज इन्होंने जो है ज्वाइन किया है, और इनका भी चैनल है, तो इनके चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हाल कंट्रीब्यूशन के थ्रू वीडियो में मैं यहाँ पे पहुँच पाया हूँ काली घाटी, और इनका नाम अंशु है और इनका भी चैनल है। तो आपके चैनल का नाम क्या है मैम? गुड लाइफ्स 3736 मेरे चैनल का नाम है, आप इसको सब्सक्राइब करिए प्लीज, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ जाइए इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। और पीछे ये जो है यहाँ पे जो मैं खड़ा था, और इन्होंने ही पूरा कैमरा को होल्ड किया, और जो भी है कैसा लगा वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर वहाँ ये वाला सीन देख रहे हैं तो। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दीजिए अतुल को इजाजत, टिल देन गुड बाय, एंड चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा इनका। ठीक है, बाय बाय।